हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो नोरियल रुबिनी, जिनको फेमसली डॉक्टर डूम के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को बहुत सही प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने अभी अभी एक बात कही है कि 2022 के एंड में एक पोटेंशियल रिसेशन आ सकता है जो कि पूरा का पूरा 2023 तक लास्ट करेगा। और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को लेकर भी बात की है कि इंडिया में भी इस रिसेशन की वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पिछले जब भी कोई भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो इंडिया की इकोनॉमी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो नोरियल रुबिनी, जो कि एक टर्किश अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने भी कहा है कि इंडिया कंप्लीटली अवॉइड नहीं कर सकता जो भी ग्लोबल रिसेशन आएगा, बट एक चीज पॉजिटिव कही है कि कमोडिटीज का कम होता प्राइस कुछ ना कुछ इंडियन इकोनॉमी को क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है। अब इंडियन इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म करेगी और पिछले कुछ जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई है उसमें इंडियन इकोनॉमी ने किस तरह से परफॉर्म किया है, उसको समझने के लिए उन्होंने इंडिया के एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया। तो वो अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि जो इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो ऑलमोस्ट 50% के अराउंड रहता है उनके जीडीपी का। अगर आप इस चार्ट को देखो तो कुछ पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये 50% से भी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। और अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर वन की भी बात करें तो इसमें भी ऑलमोस्ट 45% के अराउंड जो है वो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड रहता है, मतलब फॉरेन ट्रेड रहता है। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है उनकी जीडीपी की, वो एक्सटर्नली काफी ज्यादा हो चुकी है। दैट मीन आधी हमारी जो डिपेंडेंसी है जीडीपी की वो एक्सटर्नल ट्रेड पे रिलाई कर दी है। अब हम देखते हैं कुछ कोरिलेशन जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस और इंडियन जीडीपी के बीच में है। मेजरली हम तीन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली मेजर प्रॉब्लम है ईस्ट एशियन क्राइसिस, दूसरी है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और तीसरी है यूरोजोन क्राइसिस। अगर हम पहली बात ईस्ट एशियन क्राइसिस की करें तो जो ईस्ट एशियन क्राइसिस है वो 1997 में स्टार्ट हुआ था। अब इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई थी, थाईलैंड ने थाई बात को डॉलर के साथ अनलिंक्ड कर दिया था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो उनकी करेंसी है काफी ज्यादा डीवैल्यूएट होगी, और डीवैल्यूएट होने के बाद काफी जो कैपिटल था, मतलब काफी जो फॉरेन करेंसी था, उनकी कंट्री से चला गया। अब जब उनकी कंट्री से गया तो उनके जो शॉर्ट टर्म डेट्स थे वो पे करने में इनकैपेबल हो गए, जिसकी वजह से ईस्ट एशिया में बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया। अब क्राइसिस से पहले का साल जो 1996 और 97 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उससे पहले जो इंडिया था वो 7.8% पे ग्रो कर रहा था, और 1997-1998 तक आते आते इंडिया का जो ग्रोथ है वो 4.8% पे हो गया। दैट मीन्स 3% का जो था डिप हो गया, 3% हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो कम हो गई। अब उस टाइम पे इंडिया का जो ट्रेड परसेंटेज था, एक्सटर्नल ट्रेड परसेंटेज था जीडीपी का, वो ऑलमोस्ट 23% के अराउंड था। मतलब प्रेजेंट टाइम से जो डिपेंडेंसी है पिछले 1997 में वो थोड़ी कम थी, बट स्टिल हमारा जो डिप था 3% था। कई और इकोनॉमिस्ट ये भी बात कहते हैं कि ये जो डिप आया था 4.8% का, ये बेसिकली एग्रीकल्चर में ड्रॉबैक, एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ थी वो कम हो गई थी, उसकी वजह से आया था। बट अगर हम उससे अगला साल देखें, अगले साल में हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज हुई थी। ऑल्दो 1998 में हमारे ऊपर यूएस के सैंक्शन लगे थे बिकॉज हमने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था, तो बट फिर भी हमारी जो जीडीपी है वो ग्रो हुई थी। ये था ईस्ट एशियन क्राइसिस में जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है उसका पूरा का पूरा एनालिसिस। अब उसके बाद अगर हम बात करें ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि 2008 में आया था। अब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्यों आया था, लेमन ब्रदर्स जो बैंक था, बेसिकली हुआ क्या था, यूएस में हाउसिंग लोन्स बहुत लोग ले रहे थे बट उन्होंने हाउसिंग लोन को रीपे नहीं किया, जिसकी वजह से जो बैंक था क्रैश कर गया और एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। क्राइसिस के आने से पहले आप देखो 2007 में हमारा जो जीडीपी था वो 7.66% से ग्रो कर रहा था, और जैसे ही क्राइसिस आया उस टाइम पे हमारा जो जीडीपी है वो 3.09% पे आ गया। और 2008 में अगर हम बात करें तो हमारा जो एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ जीडीपी था वो 53.37% था। अब एक चीज देखिए, हमारी इकोनॉमी एंट्रेंच्ड हो गई थी, मतलब हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा एक किस्म से मिल चुकी थी ग्लोबल इकोनॉमी से, हमारा जो एक्सटर्नल ट्रेड था काफी हद तक बढ़ चुका था। और जैसे ही फाइनेंशियल क्राइसिस आया, क्योंकि देखो अगर किसी कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा, रिसेशन आएगी, तो डिमांड डेफिनेट सी बात है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर डिमांड कम होगी
और हम एक्सटर्नल ट्रेड पे रिलाई कर रहे हैं तो हमारा जो एक्सपोर्ट होगा वो भी कम हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारे जो जीडीपी ग्रोथ है उस पर इम्पैक्ट होगा। और फिर जब 2009 आया तो 2009 में 7.86% का ग्रोथ किया हमने, मतलब एक साल में हमारा जो ग्रोथ था वो जंप कर गया था। अब ये जंप क्यों किया था? बिकॉज उस टाइम गवर्नमेंट ने कुछ स्टिमुलस पैकेजेस प्रोवाइड किए थे जिसकी वजह से हमारे ग्रोथ में बूस्ट अप आ गया था। दैट मीन गवर्नमेंट के सपोर्ट से हमारी इकोनॉमी में बूस्ट जो था वो इंक्रीज होने लग गया था। तीसरा फाइनेंशियल क्राइसिस जो है वो है यूरोजोन का क्राइसिस। अब 2009 से ये यूरोजोन का क्राइसिस जो है वो स्टार्ट होने लग गया था। 2009 में बेसिकली ये जो यूरोजोन क्राइसिस था वो किस बात का? वो बीओपी का जो पेमेंट्स थी, मतलब जो इंपोर्ट की पेमेंट थी, उसमें कुछ कंट्रीज ने डिफॉल्ट कर दिया था जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो थी वो यूरोजोन में आने लगी थी। अब अगर उसको हम इंडिया की जीडीपी ग्रोथ से डिस्कस करें तो 2009 में भी आपको पता है इंडिया की जीडीपी अच्छी खासी ग्रो करी। 2010 में इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो 8.5% के अराउंड था और जैसे ही यूरोजोन क्राइसिस आया, यूरोजोन क्राइसिस आने के बाद 2011 में ये 5.24% के अराउंड हो गया। दैट मींस अब हमारा जो ग्रोथ है वो कम हो गया, कितने पर आ गया? 5% 5.24% में, मतलब 3% का फिर से एक किस्म से क्या हुआ, इम्पैक्ट हुआ। और उस टाइम पे हमारा अगर हम एक्सटर्नल ट्रेड टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो 2012 में इट वाज 55.79% और 2011 में 55.62%। दैट मींस हमारी जो डिपेंडेंसी थी काफी ज्यादा थी, एक्सटर्नल ट्रेड की डिपेंडेंसी हमारे जो जीडीपी का पार्ट था वो काफी ज्यादा था, जिसकी वजह से अगर पोटेंशियल क्राइसिस आएगा दुनिया में तो उस क्राइसिस का इंपैक्ट हमारी कंट्री की ग्रोथ पर भी होगा। उसके बाद 2012 में ये जीडीपी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, 2013 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बट 2013 में क्या हुआ, टेपर टेंट्रम करके यूएस ने कहा, एक नई टर्म की यूएस ने कह दिया कि हम जो अब बॉन्ड्स है वो परचेज नहीं करेंगे, जो फेडरल रिजर्व है। तो इस वजह से क्या हुआ, काफी जो लोग हैं उन्होंने इंडिया से जो था अपना करेंसी निकालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया से जो डॉलर है उसका फ्लो आउटफ्लो होने लग गया और हमारी करेंसी जो है वो काफी हद तक डेप्रिसिएट हुई। तो ये हमने तीन केस देखे कि किस तरह से जो हमारा 1997 का ईस्ट एशियन क्राइसिस हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2008 का, और यूरोजोन क्राइसिस हुआ, इसका हमारी जीडीपी ग्रोथ पर क्या इंपैक्ट हुआ। अब अगर हम डिस्कस करें कोविड ईयर के बारे में, कोविड ईयर में हमारा जीडीपी ग्रोथ क्या था, टेक्निकली देखा जाए तो कोविड ईयर में हमारा जो जीडीपी था वो पहले क्वार्टर में -24.4%, दूसरे क्वार्टर में -7.3%। अगर देखा जाए तो टेक्निकली हम रिसेशन में थे। रिसेशन में किस तरह से कि अगर आपका दो क्वार्टर का ग्रोथ नेगेटिव में आ जाए तो माना जाता है कि आपकी इकोनॉमी किसमें है, रिसेशन में है। और उस टाइम भी जो हमारा एक्सटर्नल ट्रेड था वो 45.3% था, मतलब कि डिपेंडेंसी अभी भी हमारी जीडीपी की एक्सटर्नल ट्रेड पर काफी ज्यादा थी। उसके बाद क्वार्टर में इंक्रीज हुआ और 1.6% आया और अल्टीमेटली जो हमारा एक्चुअल में जो ग्रोथ आया वो 6.6% से हम कॉन्ट्रैक्ट हुए, मतलब नेगेटिव में हमारा ग्रोथ आया कोविड ईयर में, बट फिर भी डिपेंडेंसी जो थी एक्सटर्नल ट्रेड की काफी ज्यादा थी। इस साल के हम क्वार्टर वन की अगर बात करें तो इस साल के क्वार्टर वन में हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है, ये क्वार्टर वन का जीडीपी ग्रोथ है, वो 13.5% था। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उन्होंने जो प्रिडिक्शन थी वो 16.5% की थी और प्रिडिक्शन से ये 3% के हारा कम रहा। वो सोच रहे थे कि 16.5% तक का ग्रोथ हो जाएगा बट जो ग्रोथ हुआ वो 13.5% का हुआ। और अभी भी एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो ये क्या है, हाफ ऑफ द कंट्रीज जीडीपी, मतलब एक्सटर्नल ट्रेड काफी ज्यादा है। और डॉक्टर डूम ने एक बात कही, अगर रिसेशन यूएस में आएगा और या फिर पूरी दुनिया में रिसेशन आएगा तो इंडियन इकोनॉमी को इसका बहुत ही ज्यादा स्वे एंड डाउन जो है वो फेस करना पड़ेगा, मतलब इंडियन इकोनॉमी को भी इसका जो हीट है वो फेस करना पड़ेगा। डेफिनेट सी बात है ना, अगर मान लो सपोज रिसेशन आ गया यूएस में आ गया या फिर दूसरी और कंट्रीज में आ गया तो डेफिनेट सी बात है हमारे जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएंगे, एक्सपोर्ट हमारे डाउन हो जाएंगे। और एक्सपोर्ट डाउन हो गए तो अल्टीमेटली हमारा जो इम्पैक्ट होगा वो किस पे पड़ेगा, जीडीपी पे पड़ेगा। जीडीपी पे हमारी क्या हो सकती है, डाउन हो सकती है और ये इम्पैक्ट पूरी की पूरी दुनिया का इंडियन इकोनॉमी पे पड़ सकता है। अगर हम इसके मतलब जो हमारे पास एक्सटर्नल ट्रेड का डेटा दिया हुआ है इसको ब्रेक करें तो डेटा के अकॉर्डिंगली जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है उसका क्वार्टर वन इंपोर्ट हमारे 27.8% है जीडीपी के और एक्सपोर्ट हमारे 22.5% है जीडीपी के।
अब एक चीज देखो, जो कमोडिटी के प्राइस है वो करेक्ट हो रहे हैं, कमोडिटी के प्राइस डाउन हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि हम थोड़ा सा ग्रोथ मोमेंटम जो है वो कर सकते हैं। कैसे ग्रोथ मोमेंटम कर सकते हैं? अगर मान लो सपोज कोई भी प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, तो हम इंपोर्ट तो करेंगे करेंगे, इंपोर्ट करने से हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो अब क्या आएगा, कम आएगा। अब डेफिनेटली इंपोर्ट बिल कम क्यों आएगा, बिकॉज अगर प्राइसेस करेक्ट हो रहे हैं तो हमें कम पैसा खर्च करना पड़ेगा बाहर से कोई भी सामान लेने के लिए, तो इस चीज का बेनिफिट जो है वो इंडियन इकोनॉमी उठा सकती है। बट ये चीज भी देखनी होगी कि ये जो करेक्शन है वो कितनी देर तक चलता है और करेक्शन कब तक और कितनी कमोडिटीज पर अवेलेबल होगा। बट साथ ही साथ हमें एक चीज और डिस्कस करनी है कि जो एक्सपोर्ट है, हमारे एक्सपोर्ट पर भी इम्पैक्ट होगा। किस तरह से एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट होगा? बिकॉज इकोनॉमी अगर दूसरी इकोनॉमी क्राइसिस में है तो हमारे एक्सपोर्ट डेफिनेटली डाउन होंगे, और एक्सपोर्ट डाउन होंगे तो करंट अकाउंट जो है हमारा डेफिसिट में आ सकता है, बहुत ज्यादा ऑलरेडी डेफिसिट में है, डेफिसिट और ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। साथ ही साथ इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जिनकी चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर है, उन्होंने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी पे पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जिसको दो चैनल्स के थ्रू उन्होंने मेनली पॉइंट आउट किया। पहला चैनल है कि अगर कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा तो वो इन्फ्लेशन को कम करेगा, जिसके साथ अगर मान लो सपोज कॉर्पोरेट्स को सब्सिडीज वगैरह मिलती हैं तो वो डिमांड बूस्ट करने में हेल्प करेगी, बिकॉज अल्टीमेटली अगर सब्सिडी मिलेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और जितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है लोगों को चीजें सस्ती मिलेगी और लोग जो है वो इजिली उसको परचेज कर सकते हैं। बट दूसरी बात ये है कि ये जो भी ग्रोथ और ग्रोथ मतलब बेनिफिट मिला है ऊपर वाले पॉइंट वन पे, तो अगर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएंगी, चाहे वो मर्चेंडाइज का एक्सपोर्ट हो चाहे वो सर्विस का एक्सपोर्ट हो, इन केस अगर रिसेशन आता है तो उसकी वजह से जो ऊपर बेनिफिट मिला है वो सारा का सारा बेनिफिट नीचे जाके क्या हो जाएगा, डल्ड हो जाएगा, नलीफाइड हो जाएगा। तो ये दो चीजें जो है वो अदिति नायर जी ने समझाई है हमें दो चैनल्स के थ्रू। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में था जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किस तरह से पिछले जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं उसका इंडियन जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। हमने एक चीज को देखा कि जैसे जैसे कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा था तो डेफिनेटली इंडिया की जीडीपी क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी, चाहे हम 1997 का क्राइसिस की बात करें, चाहे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, चाहे हम यूरोजोन क्राइसिस की बात करें, इंडियन इकोनॉमी में उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें कुछ ना कुछ डिप जो था वो हमें देखने को मिला। और अब हमें देखना है कि अगर इन केस रिसेशन आता है तो आपने नोटिस किया होगा कि IMF ने भी अपनी जो ग्रोथ प्रिडिक्शन थी इंडिया को लेकर वो कम कर दी। पीछे UNCTAD ने भी अपनी प्रिडिक्शन दिया कि इंडियन इकोनॉमी 5.7% पे ग्रो करने वाली है, मतलब जो ग्रोथ रेट 8% या 9% तक प्रिडिक्ट की जा रही थी वो ग्रोथ रेट अब 5.5% 6% 6.5% तक प्रिडिक्शन कर रहे हैं। एक्चुअल रिपोर्ट्स तो हमें बाद में ही पता लगेगी, बट प्रिडिक्शन में जो भी जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो हमारी कम हो चुकी है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमारे जो एक्सटर्नल ट्रेड है, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्राइसिस आता है तो हमारे जो भी एक्सटर्नल ट्रेड है उन पे भी इम्पैक्ट होगा और अल्टीमेटली हमारी जीडीपी भी क्या करेगी, सफर करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।